रानी सा वर्ड आता है गाने में, तो रानी सा के साथ जैसे आपने घूंघट थोड़ा नीचे किया, थोड़ा सा झुकना है, पधरा है रानी सा, पधरा है लाइन चली जाएगी। फिर घूमर के लिए आपको रेडी होना है, आपको अपना राइट पैर इस तरह पॉइंट करना है साइड में, और रिस्ट से रिस्ट ऐसे ऊपर रखकर हाथ ऐसे रोटेट करना है नीचे से ऊपर की तरफ। जब तक घूमर वर्ड एक आलाप में चलता है गाने में तब तक चलेगा। रमवारे तो उस पर आपको स्पोर्ट देना है, आप पे नमस्कार, अधारों पे हाथ नीचे, और सा पर आपको हल्का सा बैंड होना है। जब आप नीचे ऐसे थोड़ा सा बैंड होंगे उसके बाद एक शंख की आवाज़ रहेगी गाने में, उसको स्किप कर दीजिएगा, उस पर कुछ मत करिएगा। शंख की आवाज़ तक फिनिश होगी, आप सीधे हो जाएंगे। आपको फिर चल के चार कदम चल के एक टर्न करना है, बहुत ही आराम से करना है। और फिर आओ जी आओ वर्ड के लिए अपने हाथ की पोजीशन ऐसे ले लेनी है। आओ जी आओ के जस्ट बाद घूमर से बीट स्टार्ट होती है, तो उस पर हमें डांस शुरू करना है, स्टेप्स शुरू करना है। आपको डिपिंग के साथ हाथ के चार मोमेंट ऐसे करने हैं, फिर यही सेम मोमेंट आपको दूसरी तरफ करना है। हाथ का मोमेंट पहले मैं बता देता हूँ, जैसे आप किसी को वेलकम कर रहे हो, बुला रहे हो, फिर दो बार इसे रोटेट करना है, और सेम स्टेप आपको फिर दूसरी तरफ भी करना है। डिपिंग मतलब पैर को ऐसे डिप करना नीचे, थोड़ा सा वेट ट्रांसफ़र करना, बहुत कॉमन स्टेप है इंडियन फोक डांस में, यही हम आपको काउंट्स पे बता देते हैं करके। 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको सब स्टेप समझ में आई हैं। इसके आगे आपको ऐसे हाथ ओपन करने के साथ एक बड़ा सा सर्कल बनाना है दोनों हाथों से, थोड़ा सा झुकिएगा, जितना आप नीचे बैंड करेंगे, जितना झुकेंगे उतना अच्छा लगेगा स्टेप। शोल्डर टच करना है, दूसरी तरफ भी सेम स्टेप करना है, फिर इसी पोज पर इसी पॉस्चर को बनाकर शोल्डर टच करके आपको डिपिंग के साथ थोड़ा शोल्डर मूवमेंट के साथ चार काउंट्स पे टर्न करना है, फिर से सामने आना है ऑडियंस के। अपना लेफ्ट हैंड थोड़ा सा बाहर करके राइट हाथ और राइट पैर क्रॉस ओपन क्रॉस ओपन। दूसरी बार जब करें तो वेट अपना ट्रांसफ़र कर लें राइट, अब इस बार लेफ्ट हाथ और लेफ्ट पैर के साथ क्रॉस ओपन दो बार। और इसके बाद फिर जैसे आप ये मूवमेंट करेंगे तो अपने हाथ को अगर देखेंगे तो मूवमेंट और अच्छा दिखाई देगा, तो आप अपने हाथ को फॉलो करिएगा, देखिएगा उस तरफ। इसके बाद गाने में दो बीट्स आती हैं, ढोलक की ढोल की, तो अपने हाथ को ऐसे सर्कल करने के साथ आपको एक लाइट जंप करना है दोनों पैरों से, बारी बारी से, दोनों पैरों से बारी बारी करिएगा, साथ में मत करिएगा, आपको राइट लेफ्ट ऐसे जंप करना है पैर से और सर्कल बनाना है हाथ से। तो दो बीट्स आपको इस तरह कैच करनी है, उसके बाद दो बीट्स और आती है थोड़ी सी फास्ट आती हैं, तो उस पर सिर्फ कमर का मूवमेंट आपको इस तरह करना है, और हाथ ऐसे रोटेट करके आपको लेफ्ट हैंड साइड से डिपिंग के साथ एक सर्कल कर लेना है चार काउंट्स पे। इतना हम काउंट्स पे कर लेते हैं, रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाउन टच शोल्डर दोबारा और सर्कल किया 5 6 7 8 सामने आ गए, दो बार क्रॉस ओपन राइट हैंड से, दो बार क्रॉस ओपन लेफ्ट हैंड से, और बीट्स कैच करी दो बार, कमर का मूवमेंट किया बीट पर और सर्कल किया हाथ के मूवमेंट के साथ। Thank you.
चलिए, तो आगे बढ़ते हुए इसके बाद हमें दोनों हाथ ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ उठाने हैं, और जैसे ही बाइसा वर्ड आता है तो आपको ऐसे हाथ क्रॉस करना है, नेक का थोड़ा सा मूवमेंट करना है लेफ्ट हैंड साइड, और यही मूवमेंट आपको डिपिंग के साथ आगे जाना है। तो आप चार काउंट्स पे ऐसा आगे जाओगे बाइसा वर्ड पर, और फिर पीछे जाओगे सिर्फ दो काउंट्स पर। आपको यहाँ पर अपने लेफ्ट घुटने को बैंड करके सीधे घुटने के ठीक ऊपर बैठिएगा, हाथ का मूवमेंट करके। दो बीट्स आती हैं और उन बीट्स पर आपको नेक का मूवमेंट करना है और एक कमर का मूवमेंट करना है। तो ये जल्दी जल्दी दो बीट्स रहेंगे। यहाँ से दो बार दोनों बीट्स कैच करने के बाद आपको फ्लोर टच करना है, दोनों हाथ से शोल्डर टच करना है, एल्बो आपका सामने पॉइंट होना चाहिए, फिर से फ्लोर टच करना है। दोबारा यही स्टेप आपको दूसरी तरफ करनी है। घूमर घूमर घूमे, दोनों बार हाथ से ऐसा रोटेट करना है हाथ, और फिर तीसरी बार तीन काउंट्स पे ऐसा करके फिर पोजीशन ले लेनी है। यहाँ पे गाने में हो ऐसा करके छोटा सा आलाप है, तो उस पर आप हाथ ऊपर करने के साथ थोड़ा सा नेक मूवमेंट करिएगा हो, और फिर आपको नेक्स्ट मूवमेंट में इसके बाद शोल्डर टच करना है, दूसरा हाथ दूर रखना है, अपने हाथ की तरफ देखिएगा, तीन बार इसको करिएगा। चौथी बार में फिर से हाथ कान पे रख के आपको दूसरे हाथ से लेफ्ट हैंड से तीन सर्कल ऐसे बनाने हैं रिस्ट रोल करके, और एक बीट पे आपको दोनों हाथ ऐसे क्रॉस करने हैं, खड़े हो जाना है, हाथ कमर पे रखना है, और फिर से दो बीट्स आएंगी तो थोड़ा सा लाइट जंप करना है आपको राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। काउंट पे करते हैं स्टार्ट, 1 2 3 4 बाईसा, 5 6 7 बैठे, दो बीट्स। धनक प्रीत की सर पे उड़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे, हो रलक रीत सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे। और एक बीट पे आपको दोनों हाथों से क्रॉस करने हैं, खड़े हो जाना है, हाथ कमर पे रखना है, और फिर से दो बीट्स आएंगी तो थोड़ा सा लाइट जंप करना है आपको राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर जो गाने का मेन पार्ट है घूमर, जिस पे घूमर स्टेप्स हम लोग आपको बताएंगे, तो घूमर पे आपको सिंगल टर्न्स करना है इस बार। राइट हाथ ऐसे क्रॉस करके राइट हाथ ही ऊपर रहेगा, और डिप करना है दो बार, कमर का मूवमेंट करना है, इसे रिपीट करना है, राइट हैंड से फिर से सर्कल करना है, राइट हाथ ऊपर रहेगा, दो बार डिप करना है। अब इसी मूवमेंट को लेफ्ट हाथ ऊपर से नीचे करके सर्कल करिएगा, लेफ्ट हाथ इस बार ऊपर रहेगा, दो बार कमर के मूवमेंट के साथ डिप करना है, चौथी बार फिर से लेफ्ट हैंड साइड से करना है आपको लेफ्ट हाथ से। अभी चार मूवमेंट्स हो जाएंगे, जैसे लास्ट में हमने कमर का मूवमेंट किया, उसके बाद आपको थोड़ा सा पीछे मूव करना है डिपिंग के साथ और हाथ ओपन करना है तीन काउंट्स पे, चौथे काउंट पे पोजीशन ले लेना है इस तरह, और उसके बाद मेल फीमेल वॉइस स्टार्ट होती है, तो दो कदम में से धीरे धीरे पीछे लेके फिर हाथ पीछे बांध करके शोल्डर मूवमेंट करना है, चार काउंट्स डिपिंग के साथ वापस वहीं आ जाइएगा जहाँ पे पहले आप डांस कर रहे थे। अब हाथ दोनों दिल पे ऐसे रखिएगा, दोनों एल्बोस पॉइंट करिएगा, आगे छोटा सा स्टेप रखा, पीछे पुश के साथ एक लाइट जंप किया, ऐसे फिंगर से एक सर्कल बताया, पीछे पुश के साथ एक लाइट जंप किया, और हाथ रोल करके डिपिंग के साथ आप थोड़ा हाफ सर्कल करके और फेस ऑडियंस के सामने रखिएगा, राइट पैर जो आपका आगे है बैंडेड है उसको पीछे रखने के साथ ऐसे रिस्ट बैंड करके आपको रोल करना है नीचे से ऊपर सर के ऊपर तक। अब यहाँ आपको वापस घूमर आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट है तो डबल टर्न्स करने हैं, और हाथ का ये सर्कुलेशन आप डायगोनल रखिएगा, राइट हाथ ऊपर फिर राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ ऊपर लेफ्ट हाथ नीचे, डबल टर्न्स करना है, दो काउंट्स पे दो टर्न्स करना है, सर्कल बनाना है हाथ से और डिपिंग करनी है चार काउंट जल्दी जल्दी, फिर ये रिपीट करना है, फिर से डबल टर्न्स आपको करना है दो काउंट्स पे और दो काउंट्स पे फास्ट डिपिंग के साथ
हाथ से सर्कल बनाना है। थोड़ा रनिंग स्टाइल में आप राइट हैंड साइड जाइए हाथ ओपन करने के साथ, रनिंग स्टाइल में लेफ्ट हैंड साइड जाइए हाथ ओपन करने के साथ, और इस बार ट्रिपलेट करने हैं आपको, तीन टर्न्स करने हैं फास्ट, तीन काउंट्स पे एक दो तीन, और हाथ ऊपर करके चार, फोर्थ काउंट पे हाथ ऊपर करके पोजीशन लेनी है। यहाँ पे जो हमारा जो गाना है वो एडिटेड है, गाना मैंने एडिट किया है, जोड़ा है लास्ट का पोर्शन गाने का फास्ट वाला, और ये एडिटेड गाना आपको हमारी यूट्यूब की चैनल में मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। चलिए, तो यहाँ से जो एडिटेड गाना है वो काफ़ी फास्ट है, जो लास्ट पोर्शन है गाने का, तो बहुत ही तेज़ी से आपको डिपिंग करनी है, पीछे पीछे जाना है, चार काउंट्स पे हाथ ऊपर से नीचे, चार काउंट्स पे हाथ कमर पे, और यहाँ से एक और कालबेलिया स्टाइल होता है राजस्थान का, उसी स्टाइल में आपको लेफ्ट हाथ से राइट पैर को टच करना है, और सेम टाइम पे राइट हैंड से ऐसा पोज लेना है फ्लावर जैसा बनाकर। तो ये आप आठ काउंट्स पे चार बार करोगे फास्ट, जब टच करोगे पैर तो हाथ ऊपर जाएगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट काउंट्स पे चार बार, उसके बाद आपको जैसे कि आपने फिनिश किया एट काउंट्स पे चार बार, हाथ की पोजिशन यहाँ ले लीजिएगा, आपको हाथ थ्रो करने के साथ पैर उठाना है ऑपोजिट, सिंगल सिंगल डबल में राइट लेफ्ट राइट राइट फिर लेफ्ट राइट और फिर दो बार लेफ्ट, तो सिंगल सिंगल डबल में, और फिर हाथ साइड में रख के ओपन क्रॉस करके दो डबल टर्न्स फास्ट, फिर सेम डायरेक्शन में करके दो मोमेंट्स दो टर्न्स फास्ट। दिए जैसा स्टेप करना है आपको, हाथ में दिया वाला स्टेप नीचे से ऊपर दो बार, और ऐसा दो हाफ सर्कल्स के बाद डायरेक्टली आप पोज ले सकते हो गर्ल्स जैसे और बॉयज इस तरह से। चलिए, यहाँ पर हमारा हिंदी ट्यूटोरियल वीडियो होमवर्क गाने का ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी मगर ये वीडियो देखकर आपको हेल्प मिलेगी। हम सभी की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसी तरह पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे वीडियो, और सब्सक्राइब चैनल हमारी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार और आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको गाने के साथ ये डांस देखना है तो उसका वीडियो ऑलरेडी हमारी चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।